साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। आपके सामने भाजपा का मास्टर स्ट्रोक, आदिवासी वोटरों को साधने के लिए आज लॉन्च होगी गौरव यात्रा। केरल में घर में मिले दो महिलाओं के छद्म विच्छेद शव, काले जादू के शक में बलि की आशंका। पीएम मोदी को सीएम विजय ने लिखा पत्र, कहा कि भारत का ऐसा विविधता में एकता अवधारणा से परिभाषित होता है। खालिस्तानी समर्थक गुरु पतवंत सिंह पन्नू के मामले में भारत को झटका, इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से किया इनकार। राजद सुप्रीमो लालू यादव पहुंचे सिंगापुर एयरपोर्ट पर, बेटी रोहिणी ने किया वेलकम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई ने की कांग्रेस पर कसा तंज, का भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग के अलावा और कुछ नहीं है। नीतीश कुमार का अमित शाह पर निशाना, कहा जेपी आंदोलन पर टिप्पणी करने की आपकी उम्र नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर किया वार, कहा नेहरू गांधी परिवार के प्रति भाजपा आरएसएस की दुर्भावनापूर्ण मंशा। दक्षिण में फिर हिंदी का विरोध, स्टालिन ने चेताया हिंदी अनिवार्य हुई तो गैर हिंदी लोग दोयम हो जाएंगे। शिंदे को मिला ढाल के साथ तलवार का निशान, आदित्य ठाकरे बोले 40 गद्दार हमारी पहचान छीनने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का आज 35वां दिन, राहुल गांधी ने चित्रदुर्ग के चल्लर किले टाउन से की शुरुआत। बेंगलुरु में ऑटो वाले शुरू करेंगे नवा यात्री कैब, 1 नवंबर से शुरू होगा ऐप, आज से बोला ओला और उबर रैपिडो पर रोक। सुप्रीम कोर्ट की दो टुक समन जारी करना, महज औपचारिकता भरा नहीं, कार्रवाई के लिए ही विवेक का हो इस्तेमाल। विदेश मंत्री ने चीन के साथ बातचीत पर दिया जोर, कहा चीन के साथ संबंधों में 2.5 साल रहे बहुत कठिन। उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण, पीएम ने कहा शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ नहीं, सब कुछ अलौकिक। गाजियाबाद में गौरसंस बिल्ड पर एफआईआर, आवास विकास का 350 करोड़ बकाया, बिना कॉम्प्लिकेशन सर्टिफिकेट के 1000 से ज्यादा फ्लैट बेचे। मेरठ में 19 साल के छात्र ने फांसी लगाकर दी जान, पुलिस प्रेम प्रसंग से सुराइज करना मान रही है, कई दिन से तनाव में था छात्र। गाजियाबाद में एनकाउंटर में 4 बदमाशों को लगी गोली, कारोबारी के घर दिन दहाड़े डाली थी डकैती। रामनगरी में घुसा सरयू का पानी, खतरे के निशान से 108 सेंटीमीटर ऊपर, नदी का जलस्तर प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर हो रहा इजाफा।
गाड़ी खड़ी करने पर मारपीट, पथराव और फायरिंग। गाजियाबाद के एकला गांव में तनाव, 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर। मेरठ में बच्चा चोर समझकर मासूम के पिता को पीटा, भरदोई का युवक अपने 10 माह के बच्चे को लेकर निकला था। आगरा में आलू बुआई पर संकट, लाखों किसान चिंता में डूबे, खेतों में अभी जलभराव, अगले 15 दिन तक बुआई शुरू को होने के आसार नहीं। बदायूं में गर्भवती और उसकी बहन को कुल्हाड़ी से काटा, दो जेठों ने पहले अपनी पत्नियों को पीटा और बहू को काट डाला। सोनभद्र में टैंकर चालक की झुलसकर मौत, ट्रक से टक्कर के बाद लगी आग, दो को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। सुल्तानपुर में अयोध्या प्रयागराज रेलखंड पर मिली गेटमैन की शव, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। चित्रकूट में महिला को पाने के लिए बच्ची को ट्रेन से फेंका, ट्रेन में महिला से की दोस्ती, बातचीत में शादी करने का बनाया मन। संभल में लोगों ने युवक को चक्कर समझकर पीटा, चंदौसी अलीगढ़ पैसेंजर्स में महिला से हुई थी छिनैती, पूछताछ के बाद पुलिस ने छोड़ा। अमरोहा में 8 इंस्पेक्टर सहित 11 पुलिसकर्मियों के तबादले, एसपी ने जारी किया आदेश, तत्काल चार्ज ग्रहण करने के निर्देश। प्रयागराज में लाठी डंडे से पीटकर हत्या में मुकदमा दर्ज, रात 3 बजे घर में घुसने पर पिटाई कर दी, पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। काशी में आधा मीटर बढ़ गई गंगा घाटों की 5 सीढ़ियां और रेत, जलमग्न देव दिवाली की तैयारियों को झटका। नोएडा में खनन माफिया की 5.63 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क, मुरादाबाद और संभल में जमीन, 18 से ज्यादा दर्ज है मुकदमे। सीतापुर में 60 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे ग्रामीण, 8 लाख यूसी पानी ने मचाई तबाही। भदोही में ताला तोड़कर हुई चोरी का खुलासा, दो शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी के जेवर और बिना नंबर की बाइक बरामद। फिरोजाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या, मंडी से लौट रहा था, घर से 200 मीटर पहले अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। गोरखपुर में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लाखों की लूट वसूली कर घर लौट रहा था, बदमाशों ने तमंचे की नोक पर छीने पैसे। चित्रकूट सड़क हादसा में एक की मौत, ट्रक ने डीसीएम को मारी टक्कर, 8 गंभीर रूप से घायल। औरैया में केंद्रीय मंत्री अठावले ने किया बौद्ध मठ का शुभारंभ, बोले मुलायम सिंह धरती पुत्र थे, उन्हें लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। फतेहपुर में महिला से दुष्कर्म, दर्जी पर आरोप, पीड़िता बोली कपड़े सिलवाने लेके गई थी, आरोपी ने घर में की जबरदस्ती। बलरामपुर में बाढ़ की विभीषिका जारी, उतरौला तहसील के सैकड़ों गांव बाढ़ के आगोश में, बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ। पीलीभीत में महिला संबंधित अपराधों को लापरवाह, कोतवाली पुलिस दुष्कर्म के प्रयास मामले में 28 दिन बाद दर्ज हुई रिपोर्ट।
दलित बस्तियों से गांवों तक आरएसएस विस्तार पर जोर। भागवत बोले, हिंदू की एकता के लिए संयुक्त परिवार जरूरी। कुशीनगर में दो बच्चे लापता, घर से साइकिल से निकले थे, सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। 3 दिन में 3 बच्चे हो चुके हैं लापता। उन्नाव में जिम में चोरी करने आए युवक को पीटा, आधी रात को घर में घुसा, लोगों ने पकड़ के की धुनाई। मथुरा में 5 अस्पतालों को किया सीज, फायर ब्रिगेड के नियमों का नहीं हो रहा था पालन, 69 हॉस्पिटल को भेजा नोटिस। देवरिया में 2 फर्जी पत्रकारों पर मुकदमा, निजी चिकित्सक ने वसूली करने का लगाया आरोप, जांच करने पर हुआ खुलासा। उत्तराखंड में फ्लोटिंग हट में नियमों की उड़ रही है धज्जियां, सीधा झील में डाली जा रही गंदगी, अब होगी कार्यवाही। उत्तराखंड के हरिद्वार से 2 आतंकियों की गिरफ्तारी से हड़कंप, एसटीएफ और खुफिया एजेंसी अलर्ट। धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज, कर्मचारियों के दीपावली बोनस और केंद्र के समान डीए पर लग सकती है मुहर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी का बड़ा फैसला, महिलाओं के हितों की सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर पैरवी करेगी उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड के हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित, खेली भाजपा के वांछे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी श्री महाकाल लोक के लोकार्पण में वर्चुअली जुड़े, टपकेश्वर मंदिर से देखा सीधा प्रसारण। उत्तराखंड में वंचित परिवारों के बच्चों का भविष्य सवारी की सेना, कराई जाएगी प्रवेश परीक्षा की तैयारी। उत्तराखंड में आरएमएस कंपनी के मालिक सहित 3 को बनाया आरोपित, न्यायिक हिरासत में भेजा। उत्तराखंड के मसूरी में ओलावृष्टि से पारे ने लगाया गोता, हरिद्वार में अतिवर्षा से फसलों को भारी नुकसान। उत्तराखंड के बिहारीगढ़ के स्मैक तस्कर गिरोह का सदस्य गिरफ्तार, उसके पास से मिले 124 ग्राम स्मैक। उत्तराखंड के हरिद्वार में मेरठ के प्रेमी ने चुन्नी से गला घोट कर की प्रेमिका को मारा, कमरे में बंद मिला शव। विधायक बंशीधर भगत की जुबान फिसली, बालिका दिवस पर दिया ऐसा बयान, सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुड़ा की हत्या का षड्यंत्र, बदमाशों की सड़क दुर्घटना में मारने की थी साजिश। मापन से नहीं ला जा सका बंगाल के ट्रेकर का शव, खराब मौसम के कारण रोका गया अभियान। उत्तराखंड के देहरादून में बुजुर्ग चौकीदार की डंडे से पीट कर निर्मम हत्या, 6 घंटे के भीतर किया पुलिस ने खुलासा। यूक्रेन जंग में पुतिन की परमाणु धमकी पर बरसे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, कहा विनाशकारी होंगे परिणाम।
बोलते बोलते सो गई रोबोट, जांबी जैसी हुबू, करना पड़ा रिस्टार्ट। सुनीता आंग सुन को दो मामलों की भी दोषी करार, सजा बढ़ाकर 26 साल की। रूसी हमले को लेकर यूक्रेन में अलर्ट, जगह जगह बजते सायरन से भारी दहशत, लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने के निर्देश। पाकिस्तान में बाढ़ राहत के जाम पर मिली अमेरिकी सहायता पर भ्रष्टाचार, बाइडेन प्रशासन ने जाहिर की चिंता। यूक्रेन ने G7 देशों से मांगा एयर डिफेंस सिस्टम, जेलेंस्की बोले बेलारूस को भी जंग के मैदान में खड़ा कर रहा है रूस। अंतरिक्ष में कब्जा करने की तैयारी कर रहा है ड्रैगन, ब्रिटेन के खुफिया अधिकारी बोले सैटेलाइट गिराने के हथियार बना रहा है चीन। अगले साल 6 मई को होगी किंग चार्ल्स की ताजपोशी, सम्राट बनने के 8 महीने बाद वेस्टमिंस्टर एबे में होगा शाही समारोह। यूएस की पहली हिंदू महिला सांसद ने डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ी, तुलसी गबार्ड का आरोप, एलिट क्लब बनकर रहेगी बाइडेन की पार्टी। उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट जारी, पहली बार पानी के अंदर से दागी एटमी मिसाइल। IMF ने भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान घटाया, 2023 में 6.8% रह सकती है देश की GDP। डिजिटल पेमेंट का असर, यूपी से खत्म हुई छुट्टे की समस्या पर, टॉफी कैंडी की बिक्री में आई कमी। बेंगलुरु में ऑटो वाले शुरू करेंगे नबा यात्री कैब, 1 नवंबर से शुरू होगा ऐप, आज से ओला उबर पर रोक। BYD की ATO 3 इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च, मिलेगी 521 किलोमीटर की रेंज, 50 मिनट में चार्ज होगी 80% बैटरी। टाटा टियागो EV को बम्पर रिस्पांस, पहले ही दिन मिली 10,000 बुकिंग, टाटा ने एडिशनल 10,000 ग्राहकों के लिए बढ़ाया ऑफर। दो दिन में 5% तक महंगे हुए गेहूं चावल व दाल, त्योहारी मौसम में तेल और आटे के भी बढ़े दाम। दिग्गज भारतीय IT कंपनी इंफोसिस को लगा बड़ा झटका, अध्यक्ष रवि कुमार S ने दिया पद से इस्तीफा। जुकरबर्ग का फेसबुक पेज डाउन, फॉलोअर्स 11.9 करोड़ से घटकर 10,000 हुए, प्रोफाइल पेज की जगह पर एरर मैसेज दिख रहा है। क्रिप्टो मार्केट पर नकेल कसने की तैयारी, बड़ी गिरावट से पहले कानून बनाने की कवायद। निशाने बनाए रूस से कारोबार समेटने का प्लान, $1 से कम कीमत में सरकार को बेचेगी संपत्ति। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की, एक कैलेंडर ईयर में 38वां मैच जीता। मियां क्या बॉलिंग करते हैं, सिराज को कार्तिक ने हैदराबादी अंदाज में दी बधाई, सिराज ने कहा बिल्कुल सही।
शौकिब अल हसन ने मचाए कोहराम, धुआंधार बैटिंग का लूटा फैंस का दिल, कीवी गेंदबाजों का हुआ बुरा हाल। बेन स्टोक के खिलाफ बाएं हाथ से बल्लेबाजी कर जोस बटलर ने दिखाई हीरोगिरी, देखकर फैंस भी चौंके। भारत को एक और झटका, T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर की खोली किस्मत। तीसरा वनडे 7 विकेट से जीता भारत, 12 साल बाद अपनी धरती पर साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज में हराया। फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप में अमेरिका ने भारत को 8-0 से हद्दी मात, मेलिना रिबिसॉन्स ने 2 गोल मारे। अफ्रीका को हराने के बाद जश्न में डूबी टीम इंडिया, बोलो तारारा गाने पर ठुमके लगाते नजर आए धवन। कुलदीप यादव की फिरकी पर नाचे अफ्रीकी बल्लेबाज, केवल 25 गेंद में पलट दिया पूरा मैच। सौरभ गांगुली ने आईपीएल चेयरमैन का पद ठुकराया, अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं पूर्व कप्तान। कियारा आडवाणी का ट्रेडिशनल लुक आया सामने इवेंट में, व्हाइट साड़ी में आई नजर, वीडियो देखकर फैंस ने की तारीफ। सिद्धार्थ कियारा जल्द कर सकते हैं शादी, अगले साल अप्रैल में लेंगे 7 फेरे, दिल्ली में हो सकती है वेडिंग डेस्टिनेशन। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दया, बेन को हुआ कैंसर, दिशा वकानी के भाई मयूर बोले इन बातों पर यकीन ना करें। सेट पर स्पॉट हुई सुहाना खान, पिंक टॉप ब्लू जींस में दिखा ग्लैमरस लुक, चेहरे पर दिखी क्यूट सी स्माइल। राम सेतु का ट्रेलर रिलीज हुआ, 7000 साल पुराने इतिहास की तलाश में निकले अक्षय कुमार। नोरा फतेही का ट्रेडिशनल लुक आया सामने, झलक दिखला जा, किस सेट पर आई नजर, रोज गोल्ड साड़ी में दिखा ग्लैमरस लुक। FWIC ने दी साजिद खान को राहत, पक्ष में यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर को लिखा लेटर। उर्वशी रौतेला ने ऑस्ट्रेलिया में भरी मांग, यूजर्स बोली वर्ल्ड कप जीतने के बाद करा देंगे शादी, अभी पंत को मत करो डिस्ट्रैक्ट। विवेक अग्निहोत्री ने की आमिर कियारा की एड की आलोचना, बोले ऐसे बकवास करते हैं फिर कहते हैं हिंदू ट्रोल कर रहे हैं। नीरज पांडे की फिल्म में नजर आएंगे अजय देवगन, निभाएंगे चाणक्य का रोल, 16 जून 2023 में रिलीज होगी ये फिल्म। आज के लिए शतक में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।